नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल टेक्निकल उत्कर्ष पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी पेनड्राइव के बारे में जिसके बारे में आपने ना कभी सुना होगा ना कभी जाना होगा। तो ये पेनड्राइव है वायरलेस, इसको चार्ज करने के बाद आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, उसके बाद आप अपने मोबाइल में कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो ये पेनड्राइव अभी 64 GB की है, तो मैंने इसको अभी ख़रीदा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे चला जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से इसको ऑन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बटन दिया गया है, इस बटन को दबा दिया मैंने और ये ऑन हो गया है। देखिए यहाँ पे लाइट जल रही है। तो अब इसको हम आपको कनेक्ट करने दिखाते हैं। तो आप यहाँ इसको कैसे चार्ज करेंगे, ये इसको आपको यहाँ पर लगा देना चार्जर में, इसको यहाँ से चार्ज हो जाएगा। तो ये देखिए अब ऑन हो गया है। अब हम आपको इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो हम अपनी मोबाइल लेते हैं और अपनी मोबाइल को ओपन करते हैं। तो मोबाइल को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम वाईफाई ओपन करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए वाईफाई में आ गया, सबसे ऊपर है ये। तो इसका नाम है सैनडिस्क कनेक्शन, उसके बाद इसका पासवर्ड रहता है पहले से ही 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके बाद इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये कनेक्ट हो गया है। तो कनेक्ट होने के बाद हम आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। उस ऐप का नाम है कनेक्टर ड्राइव, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। देखिए इसका लोगो कुछ इसी तरीके से है, आप इस ऐप को देख सकते हैं। तो इसका लोगो कुछ इस तरीके से है। तो अब हम आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं। तो ओपन होने के बाद उस पेन ड्राइव में, तो ओपन होने के बाद इस पेन ड्राइव में जो जो भी चीज़ रहेंगी, जो फिल्म या आप कुछ भी रखे रहेंगे, तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो देखिए ये ओपन हो गया। तो हमने इसमें फिल्म या गाने रखे हैं तो वो सब आ गया है। तो आप अगर ये पेन ड्राइव लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है या आप किसी भी ऑफलाइन स्टोर से भी ले सकते हैं। तो इस पेन ड्राइव की बहुत अच्छी है, आप कहीं दूर रख के इसको चला सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।